साथ साथ एक्सपर्ट भी बैठते हैं और तमाम प्रक्रिया होने के बाद में ORS में होते हैं। तो जो जो भी बच्चे टैलेंटेड हैं वो टैलेंटेड बच्चे ORS की तैयारी करके अपने अपने मुकाम हासिल करते हैं। इसमें किसी भी राजनेता का कोई लेना देना नहीं होता है। बीजेपी के राज में भी ORS की इंटरव्यू लिखती है, कांग्रेस के राज में भी ORS की इंटरव्यूज होते हैं और वैकेंसीज निकलते हैं। मैं समझता हूं ये कोई विषय ही नहीं होना चाहिए कि किसके कितने नंबर आए, क्योंकि इंटरव्यू तो केवल 100 नंबर का होता है। उसके पहले तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पहले प्री एग्जाम होता है, फिर प्री में अगर क्वालिफाई करता है तो वो मेन एग्जाम में आता है, फिर मेन एग्जाम में क्वालिफाई करता है तो फिर वो इंटरव्यू आता है और उसके बाद में ओवरऑल उसकी रैंकिंग आती है। तो किसी के रिश्तेदार होने से, किसी के जानकार होने से, ऐसे होने से कहीं कोई न तो इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं, न कोई यहां पर उसमें रिटर्न टेस्ट में नंबर मिलते हैं। ये तो केवल सोशल मीडिया का चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। जो बच्चा DU दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉपर हो, जो बच्ची मेडिकल कर करके अगर अपना ORS का मुकाम हासिल करना चाहती हो, ORS बनना चाहती हो, और दो दो बच्चियों को गोद में लेकर के जो मेहनत करके जो बच्चे प्री और मेन एग्जाम पास करते हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाले जो जज होते हैं मेंबर प्लस और जो एक्सपर्ट हैं, वो सोच समझ के किसी के नंबर देते हैं। किसी का रिश्तेदार होने से, किसी का जानकार होने से, या किसी के विधानसभा क्षेत्र का होने से कहीं नंबर नहीं होते। मेरा बेटा अविनाश वो 2016 में पास हुआ था, उसके भी नंबर आए, वो भी ORS बना है। मेरी जो पुत्रवधु है वो जब पास हुई थी, जब उसके मार्क्स आए थे, तब तो हमारा रिश्ता ही नहीं हुआ था। हमारा रिश्ता तो उसके रिजल्ट के 20 महीने बाद में, जब वो ट्रेनिंग में आ गई, उसके बाद में मेरा रिश्ता हुआ। और बीजेपी का राज था तो बीजेपी के राज में उन्हीं के बनाए हुए मेंबर और उन्हीं के बनाए हुए चेयरमैन, उसमें अगर प्रतिभा पास होती है तो उसमें मेरा क्या लेना देना। मेरा बेटा उस वक्त अगर ORS बनता है तो उसमें दूसरे का क्या योगदान है, उसकी वो टैलेंटेड है तो होगा, उसमें कहां दिक्कत आ गई। और अभी भी चाहे वो कोई दूसरे प्रतिभा का भाई बहन हुए हूं, हनुमानगढ़ में 5 सारण परिवार के जो बच्चियां हैं वो पांचों के पांचों ORS बनी हैं, तो क्या उसमें कोई मेरे रिश्तेदार थे, क्या किसी के रिश्तेदार थे। तो ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा, जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो लोग अपनी खीज मिटाने के लिए या डिप्रेशन के शिकार होकर के इस तरीके की बातें करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये जो ORS की एग्जाम होती है वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ में होती है, और राजस्थान में इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है कि किसी के कहने से कोई नंबर दे दे। ये विवाद बेवजह सोशल मीडिया के द्वारा बनाया गया है जिसका कोई आधार नहीं। डूडा साहब, आप मुद्दा ये उठा कि तीनों जो बच्चे आपके परिवार के हैं उनके 80 नंबर इंटरव्यू में आए, जबकि आप बताइए 2016 की अगर उसमें आए तब तो मैं केवल सिंपल MLA था, बीजेपी का राज था। उसमें अगर प्रतिभा के या अविनाश के नंबर आए हों, जब हमारा रिश्ता ही नहीं था, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, तो उससे मेरा क्या सवाल हो सकता है, उससे मेरा क्या संबंध हो सकता है। अभी भी आए हैं तो अगर वो प्री नहीं करते, मेन एग्जाम नहीं करते और वो इंटरव्यू फाइट ही नहीं करते तो कहां से दिलवा देता कोई आदमी। वरना तो मैं तो फिर मेरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को और मेरे सारे परिवार के लोगों को ही ORS बना देता। मेरा बड़ा बेटा और बेटी बहू है, फिर अगर मेरे में ऐसा होता तो मैं तो उनको भी ORS बना देता, वो भी योग्य हैं, वो भी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। ऐसा नहीं होता है, किसी के कहने से कोई नहीं बनता है। जिसमें टैलेंट होता है वो बनता है। आप पहले भी बनते रहे, आगे भी बनते रहेंगे।